हेलो एवरीवन वेलकम टू केयर लिफ्टर्स आज का हमारा टॉपिक है केस प्रेजेंटेशन या केस स्टडी ऑन पेनक्रियाटाइटिस इस वीडियो में मैंने केस प्रेजेंटेशन या केस स्टडी पेनक्रियाटाइटिस के ऊपर बनाया है केस प्रेजेंटेशन और केस स्टडी दोनों का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है बस हमें केस प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना होता है आपको मेरे चैनल पे और भी अदर टॉपिक पे केस प्रेजेंटेशन या केस स्टडी और भी बहुत सारे असाइनमेंट लाइक केयर प्लान केस स्टडी हेल्थ टॉक मिल जाएंगे इसलिए चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और चैनल के साथ बने रहिए फर्स्ट पेज में हम पेशेंट के डाटा को मेंशन करेंगे अंडर पेशेंट डाटा हम नेम ऑफ द पेशेंट एज जेंडर आई नंबर कंसल्टेंट डॉक्टर और डेट ऑफ एडमिशन लिखेंगे देन इसके बाद हम एजुकेशनल स्टेटस पेशेंट का मैरिटल स्टेटस इनकम रिलीजन और ऑक्यूपेशन को लिखते हैं देन इसके बाद हम एड्रेस भी मेंशन करेंगे पेशेंट का और किस वार्ड में एडमिट है पेशेंट इसको हम लिखेंगे देन मेडिकल डायग्नोसिस डायग्नोसिस करने के बाद क्या निकला लाइक like, गोल था पेशेंट को पेनकरेटाइटिस तो वो हमने मेंशन किया देन इसके बाद हम चीफ कंप्लेन लिखेंगे पेशेंट का पेशेंट को चीफ कंप्लेन था पेन इन एबडमन और वोमिटिंग सिंस फाइव डेज तो यह हम मैंने चीफ कंप्लेन के अंदर मेंशन किया देन इसके बाद हम प्रेजेंट के मेडिकल और पास्ट के मेडिकल हिस्ट्री को मेंशन करेंगे अंडर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देन इसी तरह से हम सर्जिकल हिस्ट्री भी लिखेंगे प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री देन इसके अगले पेज में हम फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे फैमिली हिस्ट्री में हम पेशेंट का पूरा फैमिली ट्री बनाते हैं पहले कितने भी आ, फैमिली मेम्बर हैं पेशेंट के उसको हम ट्री में बना के शो करेंगे फिर उसका हम एक पूरा कंपोजिशन बनाएंगे उसके नीचे जिसमें हम नेम ऑफ दी फैमिली मेम्बर लिखेंगे फिर रिलेशन क्या है पेशेंट के साथ एज और सेक्स लिखेंगे मैरिटल स्टेटस लिखते हैं ऑक्यूपेशन हेल्थ स्टेटस और एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखते हैं ऑल ओवर फैमिली मेम्बर का देन इसके बाद हम सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखेंगे सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम पेशेंट के सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिखते हैं जैसे हम इसमें लिखेंगे पहले फैमिली इनकम पेशेंट का पर मंथ का फैमिली इनकम लिखेंगे कितने अर्निंग मेंबर हैं पेशेंट के फैमिली में मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन कैसा होता है हाउसिंग कंडीशन लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसा है वाटर सप्लाई ड्रेनेज सिस्टम सैनिटाइजेशन और रिलेशनशिप लिखेंगे नेबर के साथ देन इसके बाद हम पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री को लिखेंगे अंडर पर्सनल हिस्ट्री इसमें हम डाइटरी हैबिट लिखते हैं स्लीपिंग पैटर्न लिखेंगे पेशेंट का लाइफ स्टाइल कैसा मेंटेन करते हैं रिलेशनशिप कैसा है फैमिली मेम्बर के साथ इलिमिनेशन लिखेंगे और इसके बाद हम हैबिट लिखेंगे पर्सन का लाइक like कोई अगर स्पेसिफिक नोटिसेबल हैबिट है तो वो हम मेंशन करेंगे यहाँ पे देन इसके बाद हम फ़िजिकल एग्जामिनेशन लिखेंगे पेशेंट का फ़िजिकल एग्जामिनेशन में पहले हम वाइटल साइन लिखते हैं वाइटल साइन में पेशेंट का वैल्यू क्या आया नॉर्मल रेंज क्या होने चाहिए और अगर नॉर्मल uh, रेंज से ज़्यादा या कम है तो हम उसको रिमार्क्स में पुट करेंगे फिर उसके बाद इसी तरह से हम बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई निकालेंगे पेशेंट का नॉर्मल बीएमआई एम आई या abnormal, ये हम निकाल के यहाँ पे मेंशन करते हैं देन हम फिज़िकल असमेंट के तरफ आ जाएंगे। फिजिकल असमेंट में हमें पेशेंट के होल बॉडी का हेड टू फुट तक फिजिकल एग्जामिन करना होता है जिसमें पहले हम पेशेंट के जनरल अपेरेंस को देखेंगे क्या क्या देखते हैं हम इसमें तो पहले हम लुक देखते हैं कॉन्शियसनेस देखते हैं ओरिएंटेशन देखेंगे पेशेंट वेल ओरिएंटेड है या नहीं बॉडी बिल्ड कैसा है पेशेंट का हेल्थ स्टेटस ऑब्वियसली अनहेल्दी होगा हाइजीनिक कंडीशन इसी तरह से हम हेयर का देखेंगे हेड आई नोज सब हम फिजिकल असेसमेंट करेंगे इसी तरह से माउथ का ईयर का फिजिकल असेसमेंट करेंगे नेक और चेस्ट रीजन में फिर एबडमिन अपर एक्सट्रीमिटीज लोअर एक्सटर्मिटीज और जेनिटल में भी फीमेल अगर फीमेल है तो फीमेल जेनेटल और मेल है तो मेल के जेनेटल को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे देन हम लास्ट में न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट लिखेंगे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हम कॉन्शियसनेस लिखेंगे पेशेंट का कैसा था मेमोरी कैसा इंटेक्ट था या नहीं था ये लिखेंगे ओरिएंटेशन वेल ओरिएंटेड थे या नहीं जजमेंट कैसा है पेशेंट का स्पीच और बिहेवियर ये सबको मेंशन करेंगे हम अंडर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की पेशेंट अपने आप को असेस कर पाते हैं या नहीं देन इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ आ जाएंगे इन्वेस्टिगेशन में हम इन्वेस्टिगेशन का चार्ट बनाएंगे जिसमें हम पेशेंट के जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं उसके नाम को लिखेंगे और उनके वैल्यू साथ ही नॉर्मल रेंज को लिख के पुट करेंगे कि क्या उनका कौन कौन सा टेस्ट हुआ है और उसका क्या वैल्यू आया है देन इसी तरह से हम मेडिकेशन भी लिखेंगे हम जब पेशेंट का डाटा लेने गए उस समय हमें जो भी मेडिकेशन पेशेंट का मिला उसका हम यहाँ पे चार्ट बना के उसको शो करेंगे लाइक like हमको जो जो मेडिकेशन पेशेंट के पास मिला है वो हम नेम ऑफ द ड्रग में लिखेंगे फिर डोज में डोज़ लिखेंगे उसका रूट फ्रीक्वेंसी और इसी तरह से हम एक्शन और साइड इफ़ेक्ट भी मेंशन करेंगे उस मेडिकेशन का देन इसके बाद हम डाइट प्लान की तरफ आएंगे जिसमें हम पेशेंट के लिए डाइट प्लान तैयार करेंगे लाइक ब्रेकफास्ट टू डिनर तक का हम डाइट प्लान बनाएंगे पेशेंट का टाइम क्या क्या, -क्या इंग्रेडिएंट देंगे अमाउंट कितने अमाउंट में और साथ में हम लास्ट में आप कैलोरी काउंट भी लिख सकते हैं पेशेंट के डाइट का देन इसके बाद हम आ जाएंगे एनाटमी फिजियोलॉजी के तरफ़ जिसमें हम पेनक्रियाटाइटिस था और ये पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हम इसमें पहले पेनक्रियाज के एनाटमी फिजियोलॉजी को मेंशन करेंगे इस तरह से हम डायग्राम बना के आप पेनक्रियाज को शो कर दीजिएगा कहाँ पे पेनक्रियाज होता है और इस तरह से बना के शो कर सकते हैं आप देन इसके बाद हम फंक्शन भी लिखेंगे पेनक्रियाज के क्या क्या फंक्शन है ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया तो आप इसको भी शॉर्ट में लिख सकते हैं देन इसके बाद हम पेनक्रियाटाइटिस जो हमारा डिजिज कंडीशन था इसके तरफ आ जाएंगे इसके डेफिनेशन को लिखेंगे पहले पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है फिर इसके इंसिडेंस को लिखेंगे देन हम एक अच्छा सा डायग्राम बना के शो करेंगे कि पेन पेनक्रिएटाइटिस में क्या होता है एक्चुअली उस पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इस तरह से हम इन्फ्लामेशन शो करेंगे डायग्राम बना के फिर इसके बाद हम टाइप लिखेंगे जैसे कि पेनकेटाइटिस्ट के दो टाइप होते हैं एक्यूट और क्रोनिक तो हम इस तरह से बना के और बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर में लिखेंगे कि पेशेंट में कौन सा पाया गया और कितने टाइप का होता है फिर इसी तरह से हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखेंगे उसके नीचे क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होने चाहिए होते हैं जनरली और क्या पेशेंट में हैं तो इस तरह से फिर हम इटियोलॉजी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर लिखेंगे बिक बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर में देन डायग्नोस्टिक लिखेंगे किस किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं पेन क्रियाज को देन इसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे पैथोफिजियोलॉजी में हम पेन क्रिएटाइटिस के पैथोफिजियोलॉजी को मेंशन करेंगे देन हम कॉम्प्लिकेशन लिखेंगे और लास्ट में हम मैनेजमेंट लिखेंगे मैनेजमेंट में भी हमें मेडिकल सर्जिकल और नर्सिंग तीनों मैनेजमेंट को लिखने हैं पहले मैंने मेडिकल मैनेजमेंट लिखा कि हम कौन कौन से मेडिकल मैनेजमेंट दे सकते हैं पेनकेटाइटिस पेशेंट को देन हम सर्जिकल मैनेजमेंट मेंशन करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लिखेंगे कौन कौन सा सर्जरी हम कर सकते हैं और लास्ट में फिर हम नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे नर्सिंग में भी हमें प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव दोनों ही नर्सिंग मैनेजमेंट को मैंसन करना है देन इसके बाद हम केयर प्लान के तरफ आ जाएंगे जिसमें हम पेशेंट के प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को पहले लिखेंगे देन उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किए उसके अकॉर्डिंग हम नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोवाइड करेंगे पेशेंट के लिए देन इसी इसके अकॉर्डिंग हम नर्सिंग प्रोसेस तैयार करेंगे जिसमें हमने पहले फीवर के लिए तैयार किया इस तरह से हम चार्ट बनाते हैं और जिसमें हम पहला रू असेसमेंट लिखते हैं जिसमें हम पेशेंट के डाटा को एक्सेस करते हैं देन हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हम गोल डिसाइड करते हैं और इस तरह से हम प्लानिंग और इम्प्लीमेंट करते हैं पेशेंट के बेटर के लिए और लास्ट में हम इवोल्यूशन में इवोल्यूट करते हैं देन इसके बाद हम इस एब्डोमेन पेन हो रहा था एब्डोमेन में पेशेंट को तो पेन के लिए हमने एक बनाया एक नर्सिंग प्रोसेस तैयार किया देन वॉमिटिंग हो रही थी पेशेंट को तो वॉमिटिंग के लिए भी हमने एक नर्सिंग प्रोसेस तैयार किया पेशेंट का वॉमिटिंग कैसे बंद हो सकता है या कैसे कम हो सकता है इसके लिए हम क्या क्या प्लान करेंगे और क्या क्या हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस तरह से हम नर्सिंग प्रोसेस में बना के शो करेंगे फिर इसके बाद पेशेंट को वेट लॉस हो रहा था वेट लॉस हो रहा है तो इसके इसके लिए भी हमने एक नर्सिंग प्रोसेस तैयार किया कि पेशेंट का कैसे वेट नॉर्मल हो या फिर से पेशेंट कैसे अपने वेट को गेन करें इसके लिए भी हम एक नर्सिंग प्रोसेस तैयार करके उसको शो करेंगे लास्ट में हम पेशेंट के लिए एक हेल्थ एजुकेशन लिखेंगे जिसमें हम डाइट से रिलेटेड पेशेंट को क्या क्या एजुकेशन दे सकते हैं एक्सरसाइज और रेस्ट से रिलेटेड पर्सनल हाइजीन के लिए आप इसमें डिजीज कंडीशन से रिलेटेड भी हेल्थ एजुकेशन ऐड कर सकते हैं फिर लास्ट में हम इन्वायरमेंटल इन्वारोमेंटल और मेडिकेशन से रिलेटेड भी हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं इन्वायमेंटल में इन्वायरमेंटल हाइजीन से रिलेटेड आप दे सकते हैं फिर हम एक समरी में समराइज वे में लिखेंगे और कंक्लूजन में हम इसी को कंक्लूजिव कर देंगे लास्ट में आप विवलोग्राफी भी ऐड कर सकते हैं और भी इस तरह के वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा